अहम खबर देंगे। नैपर अमीन केस बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि नैप केस के हवाले से जो आज 11:30 बजे शुरू होनी थी उसमें नैप तरमीम केस में बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट नैप तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है और 5 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस अदम मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा है, जबकि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया है और नैप तरमीम केस है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। अगर बात करें दूसरी समाअत की तो उसमें ये फैसला किया गया था और ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि बानी पीटीआई को यह हक है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में पेश हों और इस पर बयान दें। इसीलिए आज जो तीसरी समाअत शुरू हुई है नैप तरमीम केस के हवाले से बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है और नैप तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है और अगर बेंच की बात करें तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अदम मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा है, जबकि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि नैप तरमीम केस में आज बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो गई है और केस की समाअत के सिलसिले में अगर बात करें तो बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के इंतजाम भी मुकम्मल किए कर लिए गए थे और ये कल ही के रोज़ मुकम्मल कर लिए गए थे और आज इस हाजिरी को यकीनी बनाते हुए समाअत का आगाज़ हुआ है। ये तीसरी समाअत है जो कि हो रही है और अगर बानी पीटीआई की बात करें तो तकरीबन 9 माह का अरसा है जिसमें वो किसी भी जगह पर या वीडियो लिंक के जरिए ज़ाती हैसियत में पेश हो रहे हैं और अगर बात करें पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है और जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई को हाजिरी से मुतालिक आगाह भी कर दिया था। फिर नैप तरमीम पर हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कुछ देर बाद होगी और चीफ जस्टिस काजी फैजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये अब समाअत कर रहा है और गुज़श्ता समाअत के बारे में आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैप तरमीम का रदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की अपील पर बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी की दरख्वास्त मंजूर की थी और दरख्वास्त को मंजूर करते हुए विफाकी और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजाम करने का हुक्म जारी किया गया था और उस हुक्म के मुताबिक आज ये समाअत हो रही है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे और आज ये तीसरी समाअत है जिसका आगाज़ 11:30 बजे होना था। तकरीबन लगभग 11:44 हो गए हैं और इस समाअत का आगाज़ अब हो गया है। नैप तरमीम का लदम करार देने के हवाले से आपको बता रहे हैं कि बानी पीटीआई को आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और आपको अब तक अहम खबर पहुँचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैप तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत का आगाज़ हो गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी ये लार्जर बेंच है जो कि इस केस के ऊपर समाअत कर रहा है और ये तीसरी समाअत है जो कि जिसका आगाज़ आज हो गया है। इससे पहले 2 समातें हो चुकी हैं और जो पिछली समात थी जो कि दूसरी समात थी 14 मई को हुई थी उसमें यह हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें मेन पॉइंट जो था वो यही था कि बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए और उनको इस चीज़ का हक है कि वो भी अपना बयान दें और अब आज ये तीसरी समात जिसका आगाज़ हो गया है इस समात में बानी पीटीआई को अब वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल किया जाएगा और वो इस अब हिस्सा बनेंगे समात का और चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा कुछ ही देर में। अगर हम समाअत की बात करें और अगर हम लार्जर बेंच की बात करें तो इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल हैं और इनके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा है। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा आज और इसका हुक्मनामा जो है वो पहले ही जारी कर दिया गया था और विफाकी और पंजाब हुकूमत को भी अहकाम जारी किए गए थे कि वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम को मुकम्मल और यकीनी बनाया जाए और आज ये इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाते हुए बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में आज पेश कर दिया गया है। गुज़श्ता समात पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का रदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर बानी पीटीआई और की बजरिया वीडियो लिंक पेशी की दरख्वास्त को मंजूर किया था और अब इस समात का आगाज़ कुछ ही देर में होगा। इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और वीडियो लिंक के जरिए जिस तरह से उन्होंने कहा था कि पेश होंगे ये तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, इसी पर बात करेंगे। यासर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासर मलिक, आगाह कीजिएगा।
के सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराई में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो बेंच का हिस्सा है। बानी पीटीआई जो है वो वीडियो लिंक से अदालत में पेश हुए हैं और इमरान खान जो है वो बजरिया वीडियो लिंक जो है वो इस समात में शरीक हैं। बानी पीटीआई जो है उन्होंने स्काई ब्लू शर्ट जो है वो जेबतन कर रखी है और केस की समात जो है वो बराह रास्त जो है वो नहीं दिखाई जा रही। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान जो है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज जो है वो कर दिया है और वो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं, जबकि अगर कमरे अदालत की बात की जाए और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत के वाले से बात की जाए तो खसूसी पासेस जो हैं वो आज जारी किए गए हैं, चाहे वो पीटीआई के लोग हों या हुकूमती जानिब से अगर कुछ लोग हैं जो शरीक हैं इस समाअत को सुनने के लिए, इसी तरह से दीगर जो लोग हैं मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी आज खसूसी पासेस जो है वो जारी किए गए हैं और तमाम तरह। अच्छा, यासर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया। वकार, आप बताइएगा इस समाअत को बराह रास्त क्यों नहीं नशर किया जा रहा? ये आज की एक अहम समाज बात है, वो तकरीबन 9 महीने के बाद पीछे है उनकी पेश की, जिनको वीडियो लिंक के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में जो है वो पेश कर दिया गया है। तहम जो वीडियो लिंक की सहूलत है वो नहीं दी गई, इस यानी रूम को कोर्ट रूम नंबर 1 के अलावा नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भी एक कोर्ट रूम में जो है वो ऑडियो का सिस्टम किया गया है। तहम वहाँ पर कोई वीडियो लिंक की जो है वो सहूलत वहाँ पर भी फराहम नहीं की गई। जो सुप्रीम कोर्ट के वकला थे उन्होंने वहाँ पर जो इंतजामिया है उनसे भी प्रोटेस्ट की है कि अगर आप इसको जो है वो टीवी पर नहीं दे रहे तो लिहाजा यहाँ तक जो है वो एक्सेस दी जाए ताकि यहाँ पर हम इस केस की समाज जो है वो सुन सकें। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर किसी भी हवाले से कोई फुटेज नहीं लीका हो या कोई तस्वीर लीका हो, इस हवाले से सख्ती से जो मोबाइल फोन है उसको कोर्ट रूम नंबर 1 से काफी फासले पर जो है वो रोका गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोर्ट रूम नंबर 1 के फ्लोर पर भी जाना है तो उससे तकरीबन 200 मीटर के फासले पर जो है वो एक पुलिस ने एक डेस्क कायम किया है, वहाँ पर तमाम फोन जो है वो जमा कराए जाते हैं। जबकि जो पीटीए के पार्लियामेंटेरियन आए हैं उनसे भी वो फोन जो है वो जमा कराए गए हैं, वकला से भी वो फोन जमा किए गए हैं, वकला चैनल से जो है वो इस बात पर एहतजाज भी किया गया। तहम जो नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक और कोर्ट रूम है जिसमें ऑडियो की सर्विस मौजूद है, वहाँ पर भी पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया है उनकी सख्ती से निगरानी जारी है ताकि किसी किस्म की कोई ऑडियो या किसी किस्म की ऑडियो या कोई वॉइस नोट जो है वो लीक ना हो सके। और जो पुलिस एहलकार है यानी कमरे में 3 पुलिस एहलकार जो है वो उनके जाती तौर पर जो है वो तैनात किया गया है। जो आज ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ये जैसे कि ये जो नैब तरामीम का केस है ये हर इसकी जो समाज है वो लाइव स्ट्रीमिंग पे होती है और लाइव स्ट्रीमिंग में पूरा पाकिस्तान इसकी समाज को जो है वो देख रहा होता है। पिछली जो समाज में